डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर साहिर पॉल है और मैं सिविल सर्जन पश्चिमी सिंहभूम चला सर। ओके डॉक्टर साहब, इन दिनों बारिश का मौसम आ गया और ऐसे में डेंगू काफ़ी ज़्यादा खतरे में और सक्रिय हो जाता है, जिसमें छोटे बच्चे, महिला, बुजुर्ग सभी को काफ़ी मच्छर से समस्या होती है, तो इसके बचाव के लिए कुछ उपाय बताइए। देखिए, पहले तो ये जानना चाहिए कि डेंगू जो होता है वो एक डिफरेंट प्रकार का मच्छर से होता है, जिसको एडीस इजिप्टी कहते हैं। और ये मच्छर की खासियत ये है कि ये साफ पानी में पनपता है, दूसरे मच्छर गंदे पानी में होते हैं, लेकिन ये साफ पानी में होता है। तो ये जब साफ पानी में होता है तो हम लोगों के पास जो चीज़ें हैं, जैसे अपने घर की बात करें अगर हम लोग, तो घर में कहीं पर पानी जम रहा है, कहीं पर गार्डन में पानी जम रहा है, कहीं छत पर पानी जम रहा है, कहीं कोई पुरानी चीज़ रखी हुई है तो उसमें पानी जम रहा है, तो ये सब पानी जमने नहीं देना है। क्योंकि एक बार ये मच्छर आ जाता है, इसका लार्वा, तो अगर वो पानी सूख भी जाता है तो एक साल के बाद भी अगर उस पर एक ड्रॉप भी पानी पड़ेगा तो वो फिर से पनप जाता है, फिर एक्टिव हो जाता है। तो इसको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा मौसम है जहाँ पर डेंगू लगातार फैलने का वो होता है और ये आउटब्रेक का रूप भी धारण कर लेता है। और तो अभी लोगों से यही है कि अपने घर के आसपास के, अपने घर में जैसे वाटर कूलर्स है, पुराने टायर ट्यूब छज्जा पे रखे हुए हैं, अगर जूते या चप्पल अगर बाहर रखे हुए हैं उसमें पानी अगर आ गया तो उसको हटा देना है और उसको क्लियर कर देना है ताकि कोई गंदगी नहीं हो। अब सड़क में आपके घर के सामने पॉटहोल्स है, उसमें भी पानी जम जाएगा तो वो भी मच्छर का ही वजह बनता है, मच्छर ये एडीस एजिप्टाई को पनपने का एक मौका मिलता है और ये फैलाता है और एक खतरनाक बीमारी की तरह, लोगों को डेंगू की बीमारी की तरह लोगों का असर करता है।